हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सेट ऑपरेशंस डिस्कस कर रहे हैं यूजिंग दी अरे। और प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मर्ज अरे का कॉन्सेप्ट देखा। उसी मर्ज अरे को चेंज करके हमने यूनियन में कन्वर्ट किया, एंड उसी को हमने चेंज करके, मतलब मर्ज अरे को ही हल्का सा चेंज करके हमने उसको इंटरसेक्शन का एक कोड बना दिया। सिमिलरली आज हम लोग सेट डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सेट डिफरेंस समझते हैं कि मीनिंग क्या है सेट डिफरेंस का। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 7, 10 और 15, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 10, 15, 20 और 25। सो सेट डिफरेंस ए डिफरेंस बी टेल्स यू कि ए के वो एलिमेंट जो बी में कॉमन नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, 1 हमारा एलिमेंट बी में नहीं है तो ये ए डिफरेंस बी में इंक्लूड होगा। 2 भी बी में नहीं है तो ये 2 भी इंक्लूड होगा ए डिफरेंस बी में। 3 बी में है इसलिए ये इंक्लूड नहीं होगा। 7 बी में नहीं है इसलिए 7 इंक्लूड होगा। 10 बी में है इसलिए ये इंक्लूड नहीं होगा। 15 बी में है और इसलिए ये इंक्लूड नहीं होगा। तो ए डिफरेंस बी में हमारे यही 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो ए डिफरेंस बी का मीनिंग एक बार फिर से अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है वही मेरा ए डिफरेंस बी है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी आप फाइंड कर लीजिए, ये जो एलिमेंट है वो हमारा ए डिफरेंस बी में नहीं होगा। तो ए के वो सारे एलिमेंट्स जो ए ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट होंगे। तो आइए हम इसके लिए एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम लिखने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो सेट है वो सेट ए वो एरे में गिवन है और सेट बी भी एरे में गिवन है। तो एक आई ले लेते हैं जो कि फर्स्ट एलिमेंट पे या फर्स्ट इंडेक्स पे है फर्स्ट एरे के, और एक जे ले लेते हैं जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे है सेकेंड एरे के, और उसके बाद एक सी हम ले लेते हैं जो कि आंसर वाला एरे या आंसर वाला हमारा सेट होगा। इसके बाद अगर ए आई एलिमेंट बीजे के साथ मैच नहीं करता है तो हम ये देख लेते हैं कि क्या ए आई एलिमेंट छोटा है या बीजे एलिमेंट छोटा है। अगर ए आई एलिमेंट छोटा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला एलिमेंट बी में नहीं मिलने वाला है, तो हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं फाइनल सेट सी में और आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं। फिर से ये जो 2 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट, अब मेरा कंपैरिजन 2 और 3 का हो रहा है, ए आई और बीजे एलिमेंट का, और 2 एलिमेंट मेरा बी एरे में नहीं मिलेगा इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ सी एरे में और आई को इंक्रीमेंट करता हूँ। इसके बाद 3 और 3 मैच करते हैं, ए आई 3 है और बीजे भी 3 है, तो ये दोनों एलिमेंट इंक्लूड नहीं होंगे सेट में, इसलिए हम आई और जे दोनों को इंक्रीमेंट कर देते हैं। क्योंकि ये 3 3 3 हमारा कॉमन एलिमेंट है तो ये हमारा बिल्कुल नहीं आएगा सेट में। इसके बाद मेरे पास 7 और 10 है तो मैं 7 एलिमेंट को इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ सी एरे में, क्योंकि 7 इज स्मॉलर देन 10 और 7 एलिमेंट इंक्लूड होना चाहिए हमारे ए डिफरेंस बी वाले पार्ट में। फिर आई को हमने इंक्रीमेंट कर दिया और उसके बाद हमने देखा कि 10 और 10 एलिमेंट मेरे पास आए। चूंकि 10 और 10 दोनों एलिमेंट जो हैं वो कॉमन एलिमेंट हैं, इसलिए हम इंक्रीमेंट कर देते हैं आई को और जे को, ये दोनों का इंक्लूजन नहीं होगा। अब हम 15 और 15 को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल एलिमेंट हैं इसलिए वंस अगेन ये इंक्लूजन नहीं होगा, लेकिन हम आई और जे दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमारा ए एरे फिनिश हो रहा है वैसे हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होंगे और यही सी मेरा आंसर होगा। एक और छोटा सा एग्जांपल से इस ए डिफरेंस बी को समझते हैं, क्योंकि सारी सारे कंडीशन इससे हैंडल नहीं हो पाएंगे। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ए एरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50 और 60, और एक दूसरा एरे है बी जिसमें एलिमेंट्स मेरे पास हैं 2, 5, 10, 15, 20, 30 एंड 35। इस केस में हम आई ले लेते हैं जो कि पहले इंडेक्स पे होगा फर्स्ट सेट के, और जे ले लेते हैं जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे होगा सेकंड सेट के। सी मेरा सेट है जिसमें हम आंसर को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम ए आई और बीजे को कंपेयर करते हैं। चूंकि बीजे एलिमेंट छोटा है इसलिए हम जे को आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट हमारा इंक्लूड नहीं किया जा सकता ए डिफरेंस बी में। अब हमारा कंपैरिजन हो रहा है 10 और 5 का, और 10 और 5 में 5 छोटा है इसलिए 5 का इंक्लूजन नहीं होगा, हम सिंपली जे को आगे बढ़ा देंगे। फिर 10 और 10 का कंपैरिजन हो रहा है, मतलब ए आई और बीजे दोनों वैल्यूज 10 है, ये कॉमन एलिमेंट है इसलिए इसका इंक्लूजन नहीं होगा और हम जे को इंक्रीमेंट कर देते हैं और आई को भी इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब हमारे 10
20 और 15 एलिमेंट्स कंपेयर हो रहे हैं, और 15 मेरा छोटा है इसलिए हम 15 मतलब जे वाला पार्ट या सेकंड एरे वाला जो पार्ट छोटा है इसलिए हम इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं। चूंकि हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया है, अब कंपैरिजन 20 और 20 का है जो कि दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम आई को भी इंक्रीमेंट कर देते हैं और जे को भी इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब 30 और 30 अगेन ये कॉमन एलिमेंट को डिनोट करते हैं, इसलिए आई और जे दोनों को इंक्रीमेंट कर देते हैं, ये दोनों एलिमेंट्स सेट में इंक्लूड नहीं होंगे ये डिफरेंस बी में। नाउ हम कंपैरिजन कर रहे हैं 40 और 35 का, और 40 एलिमेंट बड़ा है 35 से, जे को इंक्रीमेंट करते हैं और जे अपनी लिमिट को एक्सीड कर जाता है। इस केस में ए डिफरेंस बी में ये 40, 50 और 60 एलिमेंट इंक्लूड होने चाहिए, इसलिए ए एरे के बचे हुए सारे एलिमेंट्स को हम वन बाई वन इंक्लूड कर लेते हैं सी एरे में, या फिर ए डिफरेंस बी वाला जो हमारा सेट है यही हमारा आंसर होगा। तो अब आइए इसमें जो मर्ज एरे का हमने एल्गोरिथम लिखा था इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं जिससे कि ये हमारा ए डिफरेंस बी के लिए वर्क करने लगे। तो हमने आई जे और के इनको इनिशियलाइज किया है, ये पॉइंटर्स हैं। इसके अलावा हमने एक सी एरे लिया है जो कि हमारा आंसर एरे है या ए डिफरेंस बी वाला एरे है। जब तक कंपेरिजन पॉसिबल है तब तक लूप वन रन करेगा। अगर ए आई छोटा है बीजे से तो इस एलिमेंट का इंक्लूजन होगा हमारे सेट में, इसलिए हमने ए आई एलिमेंट को सी के में स्टोर किया और आई और के दोनों को इंक्रीमेंट कर दिया। इसके बाद अगर मान लीजिए कि ए आई छोटा नहीं है बीजे से तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास होंगी, इन दोनों पॉसिबिलिटीज को हम इंक्लूड करते हैं पहले। अगर मेरा बीजे एलिमेंट छोटा है ए आई से, उस केस में इस एलिमेंट का इंक्लूजन नहीं होगा, हम सिंपली जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे एलिमेंट को, ना ही के को बढ़ाएंगे, बस केवल जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। एक और एल्स, इस एल्स का ये मीनिंग है कि अगर ए आई बीजे से छोटा नहीं है और बीजे भी ए आई से छोटा नहीं है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए आई और बीजे दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो भी इस एलिमेंट का इंक्लूजन नहीं होगा, और चूंकि इन एलिमेंट्स का इंक्लूजन नहीं होगा हम सिंपली आई को और जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। फाइनली जब हमारे पास कंपैरिजंस के लिए एलिमेंट्स नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे बचे हुए हैं ए एरे के उन सबको इंक्लूड कर देंगे फाइनल एरे में। इसका मतलब है कि लूप टू रन करेगा, लेकिन बी एरे के बचे हुए एलिमेंट्स अगर कोई हैं तो उनको उनका इंक्लूजन नहीं होगा। जैसे कि आप ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 20, 25 हमारे बच गए थे लेकिन हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, इसलिए ये जो थर्ड वाला हमारा लूप है ये रन नहीं करेगा। तो इस तरह से हम चेंज कर दिया हमने मर्ज एरे कॉन्सेप्ट को, और यही हमारा ए डिफरेंस बी के एल्गोरिथम बन गई। तो आइए अब इसको रन करके देखते हैं। ये हमारे पास दो सेट्स हमारे पास हैं, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 50, 70, 40, 90 और 100 इसी ऑर्डर में, एंड सिमिलरली मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। एंड देन दूसरे वाले सेट में मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो हमने इनको ट्रैवर्स करके देख लिया ये हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एंड देन उसके बाद फिर हम एक और फंक्शन इसमें बनाते हैं जो फंक्शन ए डिफरेंस बी करेगा, या ए माइनस बी, डिफरेंस बी नहीं कहते हैं इसको, माइनस बी कहते हैं। तो ए माइनस बी हमने किया और इसमें हमने ए एरे पास किया जिसमें एम एलिमेंट्स हैं, और एक बी एरे पास किया जिसमें एन एलिमेंट्स हैं। फाइनली ये इसको प्रिंट करके दिखा देगा। तो आइए ए माइनस बी की डेफिनेशन लिखते हैं। ए माइनस बी की डेफिनेशन को लिखने के लिए हम सिंपली मर्ज वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसी मर्ज वाले कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर भी कॉपीड, एंड इसके बाद हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। सो दिस विल बिहेव एज द ए माइनस बी। तो ये मेरा ए माइनस बी का एल्गोरिथम है, और इसमें हमने सी लिया ले लिया है, सी एरे में आंसर स्टोर होगा हमारा या ए माइनस बी स्टोर होगा जब तक कंपैरिजन पॉसिबल है। अगर ए आई लेस देन बी जे है तो हमने ए आई को स्टोर कर दिया सी एरे में, अदरवाइज हम दो कंडीशंस चेक करेंगे। एक कंडीशन है कि अगर बी जे छोटा है ए आई एलिमेंट से तो उस केस में इस एलिमेंट का इंक्लूजन नहीं होगा, हम सिंपली जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। और अदरवाइज हम अदरवाइज का मीनिंग है कि ए आई और बी जे दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, और चूंकि ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं इसलिए इसको हम इंक्लूड तो नहीं करेंगे लेकिन जे और आई दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे जिससे कि
हम नेक्स्ट एलिमेंट्स पे कंपैरिजन्स के लिए पहुंच सकें। जब ये हमारे फिनिश होंगे देन उसके बाद हम ए एरे के बचे हुए सारे एलिमेंट्स, फिनिश होने का ये मतलब है कि अब कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है ए आई और बीजे एलिमेंट्स में। अब हम क्या करते हैं कि ए एरे के बचे हुए सारे एलिमेंट्स को एक एक करके इंक्लूड कर लेते हैं सी एरे में। फाइनली जब ये ऑपरेशन फिनिश होगा तो ये हम थर्ड वाला लूप नहीं लगा रहे हैं, आपको मैंने बता दिया है कि थर्ड वाले लूप की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। और जब ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो हम एरे को सी एरे को ट्रैवर्स करके डिस्प्ले कर देंगे। रन करके देखते हैं इसको। फाइन, तो ये मेरा ओरिजिनल एरे है ए, ये मेरा ओरिजिनल एरे है बी, ये ए मर्ज भी है और ये ए यूनियन भी है, ये ए इंटरसेक्शन भी है, और ये मेरा जो आंसर आ रहा है वो ए माइनस बी का आंसर आ रहा है। तो ए के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वही हमारे आंसर होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो ए एरे में या ए सेट में एलिमेंट 20 है वो इंक्लूड नहीं है बी में, इसलिए हम इसको इंक्लूड करते हैं। देन इसके बाद 30 एलिमेंट भी बी में नहीं है, इसको इंक्लूड कर लेते हैं। 40 भी नहीं है, 40 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। 50 भी नहीं है, 50 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। 70 और 90 दोनों हैं बी एरे में, इसलिए इंक्लूजन इसका नहीं होगा, और 100 नहीं है इसलिए 100 का इंक्लूजन हो जाएगा। सो ये जो आंसर मेरा आ रहा है वो ए माइनस बी का आ रहा है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जिस तरह से आप ए माइनस बी लिखते हैं उसी तरह से आप बी माइनस ए भी लिख सकते हैं। आइए इसी में बस हम एक छोटा सा करेक्शन कर देते हैं, एंड माई एल्गोरिथम, ये माई प्रोग्राम विल वर्क फॉर बी माइनस ए ऑल्सो। तो हमने ए माइनस बी को कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने बी माइनस ए बना दिया। बी माइनस ए का सिंपली मीनिंग क्या है कि बी के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो एल्गोरिथम में क्या करेक्शन है कि अगर ए आई छोटा है बीजे से तो इस एलिमेंट को इंक्लूड ना किया जाए, तो इसको हम हटा देते हैं, केवल आई प्लस प्लस कर देते हैं। अदरवाइज अगर बीजे छोटा है ए आई से तो इस एलिमेंट का इंक्लूजन होगा। तो अगर इस एलिमेंट का इंक्लूजन होगा तो उस केस में हम कहेंगे कि बीजे एलिमेंट जो है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं सी के एरे में। क्योंकि इस एलिमेंट को हम इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए जे प्लस प्लस भी होगा और के प्लस प्लस भी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको हम बीजे एलिमेंट छोटा नहीं है ए आई से और ए आई छोटा नहीं है बीजे से, तो दोनों कॉमन एलिमेंट्स होंगे और कॉमन एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हम एडिशन नहीं करेंगे इसका सी एरे में, एडिशन मीन्स इंक्लूजन नहीं करेंगे सी एरे में, और सिंपली आई और जे पॉइंटर्स को आगे बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद जो एलिमेंट्स बी के बच जाएंगे हम उनको फाइनल एरे में ऐड करेंगे, ए के बचे हुए एलिमेंट्स को ऐड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम लूप को नंबरिंग कर रहे थे 1 2 3 तो 2 नंबर इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 3 नंबर जो लूप है वो हमारा इंक्लूड किया जाएगा। सो व्हाइल जे इज लेस देन एन हम इंक्लूड कर रहे हैं बी एरे के एलिमेंट्स को फाइनल एरे में, और जे प्लस प्लस और के प्लस प्लस करेंगे। फाइनली हम सी को ट्रैवर्स करके देख लेंगे। तो एक बार देख लेते हैं दोबारा से हमने क्या किया। करेक्शन ये है कि अगर ए आई एलिमेंट छोटा है बीजे से तो उसको इंक्लूड नहीं करना, सिंपली आई को आगे बढ़ाना है। अदरवाइज अगर बीजे एलिमेंट छोटा है ए आई से तो इसको इंक्लूड करना है, लेकिन अगर दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, और फाइनली बी एरे के बचे हुए सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लेना है। तो हमने ए माइनस बी फंक्शन बनाया, देन बी माइनस ए फंक्शन भी बनाया, इसको हम कॉल कर देते हैं मेन से, एंड देन इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए कि जो बी एरे के जो एलिमेंट्स ए में नहीं है दोज आर 14, 24, 54 एंड 76। फाइन, तो हमने ए माइनस बी भी फाइंड कर लिया और बी माइनस ए भी फाइंड कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि जो मर्ज एरे का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट जिसका थ्रू हम किसी भी टाइप के एल्गोरिथम को डिजाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल कम अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर सेट ऑपरेशन।